सो गाइस, कि आप सब सोच रहे हैं कि शॉर्ट बनाएंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे भाई, क्योंकि शॉर्ट बनाना बहुत ही आसान है, ना तो उसमें इतनी मेहनत लगती है। बस यूं किया, 10 5 सेकंड का, 30 सेकंड का, 1 मिनट तक का शॉर्ट बना के अपलोड कर लेते हैं, फिर बहुत सारे व्यूज़ आ जाते हैं, उससे क्या है बहुत सारी अर्निंग होगी। तो भाई, अगर आपके माइंड में भी ये थॉट्स हैं तो इन थॉट्स को निकाल दो, क्योंकि सच कुछ और है जो कि आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आज आप डिसीजन ले लें कि भाई हमें शॉर्ट बनाने चाहिए या फिर नहीं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक शॉर्ट क्रिएटर हैं और अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। सो बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले गाइज आपको मिल जाए। तो बात करते हैं कि भाई आपको शॉर्ट बनाने चाहिए या फिर नहीं। देखो भाई, आपको मैं सबसे पहले तीन कैटेगरीज बताऊंगा। भाई अगर उस तरीके से आप अगर शॉर्ट बनाते हो और आप चाहते हो कि हम बहुत सारी अर्निंग करेंगे, तो भाई वो आप दिमाग से निकाल दें। तो सबसे पहली चीज़ के फ्रेंड्स, अगर आप क्या करते हो कि कहीं से भी वीडियो लेकर के, खास करके जो मोटिवेशन टॉपिक है, मोटिवेशन कंटेंट है, वो क्या करते हैं लोग यूट्यूब पर से छोटे छोटे वीडियोस क्लिप बना करके, वो उनके थोड़ी सी एडिटिंग करके वो फिर डाल देते हैं और अच्छे खासे व्यूज़ भी आते हैं, सब्सक्राइबर, और वो चाहते हैं कि भाई उनसे अर्निंग होगी। तो भाई जितने भी इतने शॉर्ट चैनल बने हुए हैं जो किसी और की कॉपी जो वीडियो डालते हैं अपने शॉर्ट यूट्यूब चैनल पे, उनका वही चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। सो दूसरी बात ये है फ्रेंड्स, अगर आप एक शॉर्ट क्रिएटर हैं, अगर आप अपना खुद का शॉर्ट बनाते हैं और बनाकर अपलोड करते हैं, बहुत सारे व्यूज़ भी आते हैं और सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं, और उसके अलावा आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाता है, मतलब आपके वीडियोज़ पे मिलियंस में व्यूज़ आते हैं जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं उन पे। लेकिन आपको मैं रियलिटी बता दूं कि शॉर्ट से इतनी अर्निंग नहीं हो रही है, क्योंकि शॉर्ट बहुत ही छोटा होता है, उसमें ऐड किस तरीके से ऐड करें गूगल एडसेंस वाले, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए आपकी अर्निंग इतनी नहीं हो रही है और फ्यूचर में भी मुझे नहीं लगता कि इतनी अर्निंग होगी। तो आपको शॉर्ट्स तो अपलोड करने चाहिए, उससे क्या होता है कि चैनल तो ज़्यादा ग्रो होता है लेकिन अर्निंग इतनी नहीं होती। तो आपको शॉर्ट के साथ आपके जो लॉन्ग वीडियोज़ है उस पर भी काम करना है, और जो ना ज़्यादा आपको लॉन्ग वीडियोज़ पे काम करना है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो से अभी भी खास कुछ ऐसी अर्निंग हो रही है जिससे कि आप फ्यूचर में कुछ कर सकते हो। तो तीसरी बात ये है फ्रेंड्स, कि अगर आप चाहते हो कि हम यूट्यूब पर जो है वो बहुत सारी अर्निंग करें, हमारा भी करियर डेवलप हो और हम भी अच्छी खासी जो पैसे हैं वो कमाएँ, तो आपको मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि शॉर्ट अपलोड ही ना करें। अगर शॉर्ट अगर अपलोड करना चाहते हैं तो बस आप शॉर्ट ऐसा कुछ अपलोड करें कि भाई मैंने लॉन्ग वीडियो में सारी चीज़ें बता दी हैं, आप वहीं जाकर देख सकते हो। तो इस तरीके के कुछ शॉर्ट बनाओ, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाने हैं, क्योंकि लॉन्ग वीडियो अगर आप बनाते हो तो आपकी बहुत सारी अर्निंग होगी, लेकिन अगर शॉर्ट बनाते हो तो आपकी इतनी अर्निंग नहीं होगी। सो भाई, जितने भी शॉर्ट क्रिएटर हैं उन सबको ये वीडियो शेयर कर दो। अगर आपके फ्रेंड्स हैं, अगर वो शॉर्ट क्रिएटर हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, तो भाई उनको बोलो शॉर्ट्स तो अपलोड करना है लेकिन उसके साथ आपको लॉन्ग वीडियोज़ भी अपलोड करना है, क्योंकि आपको फ्यूचर में जाकर के आपकी इतनी अर्निंग नहीं होगी, फिर आप उसमें झमेले में फंस जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इतना था इस वीडियो में। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, एंजॉय करें फ्रेंड्स।